पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज स्थित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, सांसद जगदम्बिका पाल और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या कभी किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ है। पीएम ने कहा कि पहले ऐसे क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। पीएम ने कहा कि यूपी के भाई बहन भूल नहीं सकते कि कैसे योगी जी ने संसद में यूपी की बदहाली मेडिकल व्यवस्था की व्यवस्था सुनाई थी और योगी जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे। पीएम मोदी ने कहा कि जिस पूर्वांचल की छवि पिछले सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। पीएम ने कहा कि यूपी और पूर्वांचल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है, इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए जोड़ना है। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र में जो सरकार है, यहाँ यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्मयोगियों को दशकों की तपस्या का फल है और सिद्धार्थनगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिधि देश को दिया जिनका अथाह परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है। पीएम ने कहा है कि सिद्धार्थनगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखना उनके सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है और माधव बाबू का नाम यहां से पढ़कर के निकलने वाले युवा डॉक्टरों को जनसेवा की निरंतर प्रेरणा भी देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और फतेहपुर और जौनपुर में 2,329 करोड़ की लागत से 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ है। सीएम योगी ने कहा है कि पहली बार लोगों की पीड़ा समझी गई है, अब कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगे कि अब इन सब जिलों में कोई भी किसी भी गंभीर बीमारी से दम नहीं तोड़ेगा। पीएम मोदी ने देश को स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बना करके दुनिया के सामने पेश किया है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कई राजनेता भगवान राम की शरण ले रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल शाम को 6 बजे अयोध्या में होने वाली सरयू आरती में शामिल होंगे। इसके बाद रात्रि विश्राम भी अयोध्या में ही करेंगे। सीएम केजरीवाल के दौरे से पहले आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रभु श्रीराम के दर्शन में विघ्न डालना चाहती है। संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दर्शन के वक्त बीजेपी सीएम केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रही है। आगरा में एक दारोगा का महिला पुलिसकर्मी के साथ रंगरलिया मनाना महंगा पड़ गया। महिला पुलिसकर्मी के परिवार वालों ने दारोगा की जमकर की पिटाई कर दी। दारोगा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी के परिजन सरेआम दारोगा के घसीट घसीट करके पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा में ब्राह्मण महापंचायत के दौरान बवाल हो गया। यहां पीएम मोदी की तारीफ करने पर ब्राह्मण नेता मधुसूदन भड़क गए। ब्राह्मण महासभा में मंत्री ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी की तारीफ की, जिसको सुनकर के मधुसूदन शर्मा भड़क उठे। हालांकि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंच पर आकर के मामले को शांत कराया। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में शिकारपुर पुलिस ने एक दुकान पर छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने छापा मार करके लाखों रुपए से अवैध पटाखे जब्त किए। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन। अमित शाह पहले पुलवामा के लेथपोरा में पुष्पांजलि समारोह में शामिल होंगे और फिर जवानों के साथ समय भी बिताएंगे। अमित शाह शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे। एसकेआईसीसी में शाम 6 बजे से एक रैली को संबोधित करेंगे।
अमित शाह ने रविवार को जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया और भारतीय सीमा की रखवाली करने वाले जवानों की वीरता को सराहा। अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों से कहा है कि वे बेफिक्र होकर के देश की रक्षा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उनके परिवारों का ख्याल रखेगी। अमित शाह ने मकवाल का भी दौरा किया और निवासियों से कहा कि मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों में हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना के 4 दिवसीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस 28 अक्टूबर तक चलेगी। कमांडर कॉन्फ्रेंस में शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की ओर से सीमाओं की सुरक्षा पर मंथन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में थल सेना प्रमुख सहित सेना के सभी 7 कमान के कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हिस्सा लेंगे। सेना के प्रवक्ता कर्नल राकेश चमोली के मुताबिक आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को रक्षा मंत्री, सीडीएस सहित वायुसेना और नौसेना प्रमुख भी संबोधित कर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल और एकीकरण पर जोर देंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक पर वार लगातार जारी है। आज भी पुंछ में भाटा दुरिया इलाके में फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हो रही है। यहां अभी भी आतंकी छिपे हैं जो कि सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। सुरक्षा बल लगातार आतंक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 पुलिसकर्मियों और सेना का 1 जवान घायल हो गया। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आतंकी बढ़ती वारदातों के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को तलाश कर उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पुंछ जिले में रविवार सुबह एक जंगल में सेना और पुलिस संयुक्त तलाशी अभियान चला रही थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में ताजा बर्फबारी और बारिश के साथ देश में ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड हवाएं अब चलने लगी हैं। आगामी 2 दिन में ज्यादातर राज्यों का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाएगा, जो कि अगले 3 महीने इससे ऊपर नहीं जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की सीमा रेखा अब 15 डिग्री उत्तर के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। इससे बंगाल की खाड़ी में हवाएं तेज से बदल रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के चलते हिमाचल शीतलहर की चपेट में है। ठंड लगने से मुंबई और गोवा के 3 पर्यटकों की मौत हो गई। भारी बर्फबारी की वजह से 67 हाईवे बंद हो गए हैं और लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 56 हाईवे बंद हुए हैं। अटल टनल से वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गोंदला में 24 घंटे में सर्वाधिक 18 सेमी बर्फबारी हुई है। रोहतांग देर में 3 फीट तक बर्फबारी देखी गई। केरल में 24 घंटे में 8,538 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11,366 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 71 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। दिल्ली में 24 घंटे में 37 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इस दौरान 51 लोग डिस्चार्ज हुए। कुल सक्रिय मामले 320। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,410 नए कोरोना मामले सामने आए, 1,520 रिकवरी की गई है। मुंबई में 24 घंटे में 408 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 531 लोग डिस्चार्ज हुए, 6 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 158 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 1 मौत हुई है। सक्रिय मामले 8,080। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज लगा ब्रेक। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107.59 रुपए तो डीजल की कीमत 96.32 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 113.46 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है तो वहीं डीजल की कीमत 104.38 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108.11 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है तो वहीं डीजल की कीमत 99.43 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.52 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है तो वहीं डीजल 100.69 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लाहौर में इस्लामिक संगठन तहरीके लबैक ने एक रैली रखी और उस हिंसक झड़प के दौरान 2,500 आंसू के गोले फेंके गए, जिससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रधानमंत्री मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा G20 समिट के लिए होगा।